दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गैनोडर्मा के बारे में। दोस्तों कि गैनोडर्मा कैसे काम करता है ये तो आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा। आज मैं आपको गैनोडर्मा साक्षात दिखाऊंगा कि गैनोडर्मा क्या होता है और इसके बेसिक चार पांच फीचर्स के बारे में बात करूंगा कि कैसे ये काम करता है। दोस्तों तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों गैनोडर्मा पहले आपको मैं दिखा दूं कि गैनोडर्मा है होता क्या होता है। ये देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये गैनोडर्मा है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड मशरूम के नाम से जानते हैं। दोस्तों रेड मशरूम मतलब लाल मशरूम जिसको बोला जाता है। इसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको खुम्भी के नाम से जाना जाता है, कहीं इसको लिंजी के नाम से जाना जाता है, कहीं इसको ऋषि गैनोडर्मा के नाम से जाना जाता है, कहीं ऋषि के नाम से इसको जाना जाता है, कहीं इसको छत्रक के नाम से जाना जाता है। इसका जो नेम होता है बोटेनिकल वो होता है दोस्तों गैनोडर्मा लुसिडम, इस नाम से जाना जाता है। इसका बेसिकली दो पार्ट होता है, मैं आपको बताऊं तो एक तो इसका पल्प वाला पार्ट होता है जो ऊपर का आप देख पा रहे होंगे और दूसरा पार्ट होता है इसका जो जड़ का पार्ट दोस्तों, मतलब ऊपर का और ये नीचे वाला। तो इसीलिए इसको दो पार्ट में इसका यूज भी किया जाता है। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो आकार है जैसे हम लोग का ब्रेन होता है, ब्रेन में जो पीछे जाती है ना नाड़ियाँ, ये जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो ये पार्ट होता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये कि ये जो पार्ट है जिससे ये कंट्रोल होता है, इस पार्ट को ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस करता है, ये ज़्यादा प्रभावित करता है, उस पर ज़्यादा इसका एक्शन होता है दोस्तों। जैसे जितने भी नर्व्स होते हैं, जहाँ जहाँ नर्व्स हैं, हमारी तंत्रिका तंत्र है, वहाँ पर इसका ज़्यादा रोल होता है। वहां से संबंधित कोई भी बीमारी होती है उसको सही करने के लिए इसके लिए इसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। और इसका जो ये पार्ट है दोस्तों आप देखेंगे तो ये पार्ट हमारा एक तरह से ब्रेन का भी पार्ट होता है। जैसे हमारा ब्रेन होता है आप देखेंगे तो ब्रेन होता है, प्लस आपका ये हार्ट का भी आकार का होता है। जैसे हार्ट हमारा होता है हृदय, तो उस आकार का भी होता है। हमारे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो किडनी होता है उसके भी आकार का ये होता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि जितने भी हमारे सिस्टम हैं हमारे शरीर में, उन सारे सिस्टम पे इसका जो असर होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है इसको दो पार्ट में, एक तो इसका जड़ वाला पार्ट, एक इसका ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। एक होता है आरजी, जिसका आगे वाला जो पोर्शन होता है ये आरजी के नाम से जाना जाता है, नीचे वाला होता है वो जीएल के नाम से आता है। तो दोस्तों ये जो दोनों पार्ट होते हैं, अगर इसका हम पूरे बॉडी में हम रेगुलर बेसिस पे इसका हम कंजम्पशन कर रहे हो तो इसका फायदा क्या मिलता है दोस्तों? ये हमारे शरीर में जाने के बाद में एक तो स्कैनिंग करता है पूरी बॉडी में। जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं तो स्कैनिंग होती है ना, शरीर में जाकर के स्कैनिंग होती है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, एक्चुअल में स्कैनिंग से ही पता चलता है। तो इसका भी पहला यही काम होता है। ये एक दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर में ये जाके शरीर में ये काम करता है कि पता करता है कि शरीर में कहाँ कहाँ पे टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं, पहले उसके फाइंड आउट करता है। ठीक है, सेकेंड इसका काम होता है जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं उनके बारे में पता चल गया। अब ये 1 सप्ताह से लेकर के 30 सप्ताह 30 वीक्स तक इसका काम होता है, उन जो गंदगी इकट्ठी है, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं बॉडी में, उन सारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करना इसका सेकेंड काम होता है दोस्तों। 1 सप्ताह से 30 सप्ताह तक लगता है। अब ये डिपेंड ये करता है कि जिसको जितनी ज्यादा गंदगी है, जैसे मान लीजिए आप अगर घर के अंदर हैं, रेगुलर सफाई कर रहे हैं घर में, तो गंदगी कम होती है। रोज सुबह आप हल्का सा साफ कर दिए, 5 मिनट के अंदर में सफाई हो जाती है। लेकिन अगर आप 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के लिए बाहर छोड़ के घर चले जाएं, दरवाजा बंद करके चले जाएं, तो आप देखेंगे ताला बंद किया हुआ है तो भी गंदगी अंदर आती रहती है। और जब आप 1 महीने बाद वापस आते हैं घर पे तो आपको साफ करने के लिए समय लगता है। जो सफाई आपकी 5-10 मिनट में हो जाती है वो कहीं कभी कभी एक एक हफ्ते तक लग जाता है, 2-2 3 दिन लग जाता है उसको साफ करने में, चूंकि समय काफी लग गया। अगर आप ज्यादा दिन के लिए बाहर चले गए तो और ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसका भी काम होता है दोस्तों। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं, माध्यम क्या होता है, 3 मीडियम सबसे ज्यादा होता है। पहला होता है हम पानी पीते हैं उसके माध्यम से, दूसरा हवा, और तीसरा जो हम खाते पीते हैं। तो इसके माध्यम से जो टॉक्सिन्स है, केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करने के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। जब ये शरीर के अंदर जाता है तो जो टॉक्सिन्स होते हैं उन टॉक्सिन्स को बाहर करता है। पहले तो पता लगाता है जिसको स्कैनिंग बोलते हैं, दूसरा होता है डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर से बाहर करता है नेचुरल रास्ते जो हमारे होते हैं उनके माध्यम से। जैसे नेचुरल रास्ते क्या है, हमारे लूज मोशन के माध्यम से, बाथरूम के माध्यम से हम वोमिटिंग हो सकती है, नाक से पानी निकलते हैं, आंख से आंसू के माध्यम से पसीना हो सकता है ना। तो जो नेचुरल रास्ते हैं उनके माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, तो ये जो नेचुरल रास्ते हैं इन माध्यमों से इसकी जो टॉक्सिन्स होती है जो बॉडी की, वो सब बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तीसरा होता है दोस्तों जो
टॉक्सिन्स बाहर निकलने के बाद में जो जगह बच जाती है उसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो उसको बैलेंसिंग करने में इसको समय लगता है लगभग लगभग 30 सप्ताह के आसपास में। तो उसमें बैलेंसिंग करने में क्या होता है, जैसे जहां पे जगह खाली होती तो उसको भरना होता है ना, तो वो होता है इसका बैलेंसिंग करना। तो ये प्रोसेसिंग इसकी होती है। नेक्स्ट उसका जो अगला प्रोसेसिंग होता है कि बैलेंसिंग करने के बाद में उसके अंदर जो जो कमियां रह गई है, जहां जहां पे चीजें आपको शरीर में लगता है इसको कि ये शरीर में जाने के बाद में और क्या क्या चीजें वहां पे प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको प्रोड्यूस करता है, उसको बैलेंस करता है, उसको कह सकते हैं कि रिजुवेनेट करता है। और जो लास्ट इसका प्रोसेस होता है दोस्तों, वो होता है रिजनरेट करने का। रिजनरेट मतलब ये कि शरीर में जाने के बाद में फिर से नई नई कोशिकाएं बैलेंस किया, सब कुछ सही करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में फिर ये नई नई कोशिकाओं को शरीर में रिजनरेट करना शुरू कर देता है, मतलब एक एक कोशिका का फिर से निर्माण करना शुरू कर देता है। ये इसकी खास बात है दोस्तों। तो ये जो 5 चरण है इसमें पेशेंट को 1 साल से लेकर के 3 साल तक का समय लग सकता है, डिपेंड करता है कि किसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी सारी गंदगी है। लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा असर यह है कि अगर कोई भी इंसान 3 साल तक इसका लगातार सेवन करता जाए, डिपेंड करता है कि आप किसी योग्य गैनोथेरेपिस्ट के सानिध्य में रह करके इसको अगर करते हैं, तो इसका फायदा ये होता है कि आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता चला जाता है और शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाता चला जाता है। मतलब ऑक्सीजन अगर आपका लेवल बढ़िया है शरीर में जाने की, तो आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़िया होता है ये माना जाता है। अब ऑक्सीजन लेवल को अच्छा बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। ऑक्सीजन को कैसे बढ़िया बनाता है इसके बारे में फिर आपसे बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ऑक्सीजन लेवल को शरीर में ये अच्छे से बना देता है। शरीर में जब ये जाता है तो गंदगी साफ होती है, तो जाहिर सी बात ऑक्सीजन बढ़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देखो, आपको शायद समझ में आएगा कि एक कमरा है, कमरे के अंदर अगर आप कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद क्या होता है, उस कूड़े में से बदबू आनी शुरू हो जाती है कि नहीं। जो बदबू होती है वो आ रही है और आप खिड़की खोल दीजिए, दरवाजे खोल दीजिए, बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, तो आप देखेंगे कि वो जो ऑक्सीजन आ रही है वो कुछ दूर तक ही रह पाती है, जहां बदबू होती है वहां तक पूरा नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वहां से बदबू निकल रही होती है। तो जब तक वो बदबू शरीर से या उस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, तब तक उस ऑक्सीजन जो बाहर से आ रही हवा, उसका प्रभाव उस पूरे कमरे में नहीं पड़ पाएगा। सेम वैसे ही होता है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो कोशिकाएं हैं एक एक, वो एक कमरे के हिसाब से मान लीजिए उसके अंदर जो हम टॉक्सिन्स डाल रहे हैं खाने से, पीने से, हवा के माध्यम से, वो टॉक्सिन्स हमारा कूड़ा मान लीजिए, तो जो कूड़ा है, जो टॉक्सिन्स हमारा इकट्ठा हो गया है उसके अंदर में, उसको बाहर हम नहीं निकाल रहे हैं या जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक बाहर से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, चाहे हम सांस लेने के माध्यम से ले, चाहे प्राणायाम के माध्यम से ले, चाहे जैसे भी ले, उस ऑक्सीजन का हमारे एक एक कोशिका में असर नहीं हो पाता है, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है दोस्तों। तो एक मोटा मोटा मैंने समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दिया, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है और ये इतना ज्यादा प्रभावकारी होता है दोस्तों कि कोई भी बीमारी हो शरीर में, अगर सिचुएशन कितनी भी वर्स हो, अगर इसका सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारियां इससे दूर हो जाती है दोस्तों। और मैंने खुद ऐसे कई सारे पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे लोगों को दिया हुआ है जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आपको एक छोटा सा टेस्टिमोनियल मैं बताऊंगा। एक पेशेंट है वाराणसी के, वहां पे उनके फादर को बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर की 4th स्टेज है, डॉक्टर ने मना कर रखा हुआ है कि उनको आप कीमोथेरेपी नहीं दे सकते हैं, आप कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और चूंकि कंडीशंस काफी वर्स है और एज काफी ज्यादा है। तो उनको जब इसके बारे में जानकारी मिली, हम लोगों ने देना शुरू किया उसको, तो आज कंडीशन ये है कि वो जो 4th स्टेज में कंडीशन हो गई थी प्रोस्टेट कैंसर की, वो 2nd स्टेज में आ गई है। उनकी कंडीशन डे बाय डे इम्प्रूव होती चली जा रही दोस्तों। तो इस तरह के तमाम ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं इस टॉपिक को लेकर के, ज्ञानोरमा को लेकर के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो जरूर आप मुझसे संपर्क करिए, मैं इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और मुझे खुशी होगी कि इससे किसी को अगर फायदा हो जाता है तो दोस्तों आज मैंने इस नई चीज, मुझे लगा कि इसके बारे में आपसे बातचीत करनी चाहिए। एक नई चीज दोस्तों, आप इसको अन्यथा कतई न ले, बहुत ही बेहतरीन जड़ी है और इसका इस्तेमाल अगर सही से किया गया तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों को भी खत्म करने की ताकत रखती है। तो दोस्तों आज की बात बस इतनी ही। जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।